भले क्या है जो तेरी दुर्गति, जिंदा रखूंगा और उनको संसार में दूंगा मोल शाऊल का संसार से। विक्रम हाँ कहो क्या कर रहे हो? ये किसने तुम्हारी हालत की? मेरी हालत? जी हाँ सुनो विक्रम बोलो। तुम्हें मर जाने से कुछ नहीं मिलेगा, निकल चलो मेरे साथ बेहड़ों में, ऐसे निशाने बाद तुम्हें बनाऊंगा कि दुनिया तेरे नाम से कांपेगी और उन दरिंदों से बदला लोगी। क्या विक्रम अब यहां से कहां चलूं? मेरे सरदार के पास और अपने माँ बाप को भूल करके चलो, माँ भवानी के सामने तुम्हें सौगंध खाना होगा और हमारे गिरोह में रहकर तब हम उन कमीनों से बदला लेंगे। मंदिर टूटे तो बल जाए, मस्जिद टूटे तो बल जाए, प्यारी सरदार जी की जय मां भवानी। ये बताओ तुम्हें डकैती डालने के लिए भेजा था कि लोंडिया फंसाने के लिए? क्या कहा सरदार जी? ये तुम्हारे साथ कौन है? ये कोई लोंडिया नहीं है, ये मुसीबत की मारी एक लड़की है
दुश्मनों से बदला लेना चाहती है, वो आपके शरण में आई है, आप उसे जगा दीजिए और निशाना सिखा दीजिए, क्योंकि अपने दुश्मन से वो बदला ले सके। यानी इसके साथ जुल्म हुआ है, उन जुल्मों का बदला चुकाना चाहती है। जी हाँ सरदार जी, कब नहीं विक्रम, इसे ऐसे निशानेबाज बनाएंगे कि इससे नाम से सारी दुनिया का ठीक है। अगर ये बात है सरदार जी तो मैं चल रहा हूँ, रघुमल बनिया के हटाका डालकर अभी वापस आता हूँ, तब तक के लिए इसे निशाना सिखा दीजिए, चलना फिरना सिखा दीजिए, और ठीक है तुम घबराओ नहीं, अपने गिरोह का जितना ताव तरीका सब सिखा दीजिए। ठीक है उड़न जय मां भवानी, जय मां भवानी। देखो तुम्हारे साथ जो जुल्म हुआ है उस जुल्म का बदला चुकाना चाहती है, तुम्हें वो निशाने बाज बनाएंगे, तुम्हारे नाम से सारी दुनिया खापेगी। आओ नंबर एक, देखो उड़ती हुई चिड़िया जा रही है और उससे तुम्हें मारना। नंबर एक संभाल के पकड़ो, नंबर एक और दो और तुमको पकड़ना नहीं आता है यार, फिर से लगाओ इधर लगाओ, चिड़िया उड़ती जा रही है। नंबर एक और दो और ठीक है फूलन, लेकिन आज से तुम गिरो किरानी नहीं, खाली बाबू गुजर किरानी बनकर रहना पड़ेगा। इसीलिए हम गिरोह के सरदार हैं, मालिक हैं, जो कहता हूं वही होता है। अरे अरे प्यार गोरिया, अरे प्यार गोरिया कह लो अपने बलबवा से प्यार गोरिया, हर छुट्टी है तुम्हारा दिल जान से परान करिया, सरदार जी छाओ। मैंने अभी रघुमल बनिया को लूट करके लाया हूं, जाकर के रकम तलाश कर लीजिए, ठीक है तब तक हम बात करते हैं। विक्रम तुम तो बहुत उदास दिखाई दे रहे हो, क्या कहा सरदार जी ने? आए तुम्हारे सरदार जी की नियत ही गड़बड़ है। क्या सरदार जी की नियत गड़बड़ है? हाँ विक्रम, कहा उसने क्या है? कह रहे हैं कि अगर प्यार करोगे नहीं तो तुम्हारे विक्रम को मैं जान से मार दूंगी। क्या सरदार जी ने बोला है? हाँ विक्रम। लेकिन फूलन चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें उसका उपाय बताऊंगा, क्योंकि कल होली का त्योहार है, और अपने हाथों से शराब पिलाओ, इस हरामजादे को हम खत्म कर देंगे। ठीक है चलो विक्रम। विक्रम चलो मैं चल रही हूँ, लेकिन अब ऐसे जगह मत लेकर जाओ कि जहां छेड़खानी न हो। दिल लगी दिल
और दिल लगी कोई क्या जाने जी हाँ सरदार जी, ये तो बड़ी मुंह की बात छीन ली। और जाओ शराब लेकर आओ और फूलन तुम प्यार से कोई शराब वाली चीज सुनाकर सरदार को सुना। आज होली का त्योहार है बहन जी, शराब पिला दीजिए सरदार को हमारे, इसमें रंगीन कपड़े हैं रंगीन। आप क्या पियोगे? आप क्या पियोगे? हम नो प्रॉब्लम, डोंट वरी के मास्टर डैन प्लीज। नहीं पीते नहीं हम, धागा बांधे हैं या धागा बांधे हैं। होली आवई जो झुमका अरे लई दे भाई, होली आवई जो झुमका लई दे भाई, होली आवई जो झुमका अपना काटा जो था वो खत्म हो गया है, अब हमारा तुम्हारा दुश्मन केवल लाला राम और श्री राम रह गए हैं। विक्रम सौ साल पहले
हमें तुमसे प्यार था और जिया बेकरार इसीलिए इतना ज्यादा घबराए जी। परेशान मत हो दोस्त, अगर ऐसी बात है तो चलो आज से फूलन और विक्रम का दोनों का तलाश किया जाएगा और जहां पर दोनों मिल जाते हैं उसी जगह पर दोनों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। बस जब तक हम लोग विक्रम को खत्म नहीं कर देते हैं तो ये सोच लो कि हमको जिंदगी खतरे में है। अरे दोस्त परेशान मत हो, अरे विक्रम को तो उस जगह पर मारूंगा जहाँ पर एक बूंद पानी नहीं होगा, अगर पानी होगा तो हराम दादे को पानी देने वाला नहीं होगा। ठीक है दोस्त, आओ मेरे साथ। हेलो हेलो हेलो, अरे कैसे इकरार की हो भाई, क्यों बहाना क्या गोरिया, ये कैसे फूलन कहिए विक्रम। आज मेरा दिल कह रहा है कि आपसे जी भर के प्यार करूं और तेरे बाहों में बाहें डाल करके एक साथ सोया जाए। ठीक है विक्रम, जज में सोखे सहाता तो क्या कीजिए, जज में सोखे क्या कीजिए, अपने हाथों में उनका ये सर ले लिया। जज में सो के
ले लिया कत्ल होने से पहले कहाँ तक चले कत्ल होने से पहले कहाँ तक चले कातिलों के मुहल्ले में घर ले लिया आइए किस्तव लड़के न घूमे अरे एक पंडित के पूत मोरे बाप कथा बाजे हम कुकरी के पूत मोरे बाप कथा बाजे हम दरफल जाओ हमारे लिए बिस्तर लेकर आओ आज हम सोना चाहते हैं जल्दी जाओ विक्रम चलो आराम किया जाए विक्रम आज मौसम मौसम बहुत सुहाना है महाराज जी सो गए हैं रानी साहब सो गई हैं हम इन्हें बगल में सोए जाओ अब मन भी ना आए था लेकिन दरअसल गोली मुझे लाला राम और श्री राम ने मारा है और जब तक तुम मुझे पल्ला नहीं लोगी तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा फूलन देखो मुझे सामने कोई बुला रहा है विक्रम मैं कहाँ जाऊंगी विक्रम
और मुझे छोड़ विक्रम और का को सिद्धा बंदूक की गोली खाकर मौत के घाट ले लिया, लेकिन वो हरामजादी फूलन बच गई। अरे फूलन बच गई है, और मैंने सुना है कि डाकू मान सिंह के पास चली गई है वो। क्या डाकू मान सिंह के साथ ले लिया? हाँ, वो डाकू मान सिंह के गिरोह में जाकर फिर हम लोग के लिए खतरा पैदा कर दिया। लेकिन दोस्त, अब हमें डाकू मान सिंह से और फूलन से बहुत ज्यादा डर लगता है। दोस्त, अब एक काम करो। वो कौन सा करना है? तुम तो यहाँ रियासत देखो। हाँ। और हम चले यहाँ से तीर्थ धाम। देखिए, फूलन और मान सिंह से हमको बहुत ज्यादा डर लगता है, इसलिए तुम तो यहाँ का देख रेख करते रहो और हमें जाने दो यहाँ से। हम चल रहे हैं यहाँ से चारों धाम। दोस्त, कहीं धाम जाने की जरूरत नहीं है। आने तो जो बला आएगी हम उसे निपट लेंगे। क्यों चिंता करते हो तुम? हमको बहुत ज्यादा डर लगता है, एकदम डर तो दिल के अंदर बिल्कुल मेरे समा गया है, ये जान लीजिए। अगर ज्यादा तुम्हें डर लग रहा हो तो आप महल में रहिए, हम चले जाए चारों धाम। अरे तुम जब चले जाओगे तब तो हम अकेले यहाँ बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। तो फिर तो नहीं हो रहा, इतना जोर बोलोगे तो हम यहाँ एक कदम नहीं रुक पाएंगे। अच्छा, एक काम करो, अब गांव वाले को चलो चौकस कर दिया जाए कि ताकि अगर कोई बदमाश या कोई हलचल देखे हम लोग को वो सूचना दे। अरे लड़का उठाई, अरे लड़का उठाई बल्ब का बिगवा, लड़का उठाई राजा का बिगवा। ये तो मिलती नहीं है। साहब जय हिंद। फूलन, घबराओ नहीं, आराम जादी कब तक तुम भगोगी? तुम्हारे पीछे पूरी फौज लगी हुई है। चलिए चलिए। दिल के अंदर यहाँ डर समाया हुआ है भैया।
अब हमारा इरादा ये कहता है, हम तो है, अब हमारा इरादा ये कहता है कि तुम रहो घर और हम चले जाए जगन्नाथ जी। अरे दोस्त ऐसा मत करना, अरे भैया मरने से पहले हम पिताजी का पिंड दान तो दे दे। दोस्त परेशान मत हो, दोनों लोग साथ साथ चल रहे हैं। अरे हम नहा नमा कई हजार साले को आने दो, जल्दी बुलाओ। आए इतना बोलोगी तो नहीं आएगा क्या? चुप हो जाओ तो हम किसी बहाने से। अरे दोस्त लाला राम, अरे दोस्त लाला राम यहाँ आओ, यहाँ कोई परेशानी वाली बात नहीं। तुम क्यों घबरा रहे हो? अरे जब हम हैं तब तुम क्यों घबरा रहे हो? इसीलिए तो घबरा रहे जो कि आप हो। Thank you.
ज्यादा उन्हें न मारो। बीमार चलते वो काम मारे उन्हें। बीमार है उनकी इलाज अभी मैं कर रही हूँ। ऐसा इलाज हो जाएगा क्यों जीवन भर के लिए अच्छा हो जाएगा। मुन्नी है मेरे का इलाज कह दो क्यों।